फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ऐसा कुछ कुछ टिप्स जो आप घर पे करते हो, तो फ्रेंड्स ये आपकी खूबसूरती में चांद चांद लगा देता है, आपको और भी खूबसूरत बनाते जाता है। बहुत ही सिंपल सा घरेलू चीज़ है जिसे आप फॉलो करते हो तो फ्रेंड्स इससे आपकी खूबसूरती में चांद चांद लग जाता है। आपकी स्किन हर वक्त ब्राइटन आप होते रहता है, स्किन टोन लाइटन होने लगता है, आपकी स्किन में दाग धब्बा है वो मिट जाता है, आपकी स्किन ग्लो करने लगता है। फ्रेंड्स ऐसे तो हम लोग हर वक्त अपने स्किन के ध्यान के लिए बहुत सारा महंगा महंगा क्रीम वगैरह लगाते हैं, पर लग जाते हैं, पर आपको फ्री में सिर्फ ये चीज़ करना है। ये करने से फ्रेंड्स आपको पल्लर वाला ट्रीटमेंट भी नहीं लेना है, आपको कोई महंगा क्रीम भी नहीं लगाना है, फिर भी आप खूबसूरत बनते जाओगे। तो ये क्या चीज़ है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो उससे पहले फ्रेंड्स सभी को वेलकम करते हैं स्पेशल केयर वन सिल्क में, और मैं हूँ आपकी दोस्त शीशा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स इसे जो भी मैं बोलूँगी ये आपको हर रोज़ रेगुलर लाइफ में फॉलो करना है। इससे फ्रेंड्स आपकी स्किन पर जो भी होममेड चीज़ें वो तो आप यूज़ करते ही हो, उसके साथ ही साथ एकदम सिंपल वाला कुछ कुछ चीज़ है जिससे बनाना भी एकदम ईजी होता है। तुरंत ही ये आप लगा भी सकते हो, धो भी सकते हो और बना भी सकते हो और तुरंत ही कर भी सकते हो। तो ऐसा कुछ चीज़ मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। तो उससे पहले फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जब भी कोई नया सा वीडियो लाऊँ उसे आप देख पाओ और ऐसा बेटर बेटर ब्यूटी टिप्स के बारे में जान पाओ और उसका फ़ायदा ले पाओ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, जान लेते क्या आपको करना है रेगुलर लाइफ में जिससे आपके खूबसूरती में चांद चांद आ जाए। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, फर्स्ट तो फ्रेंड्स आपको बहुत सारा पानी पीना है, ये तो मैं हर वीडियो में बता ही देती हूँ, फिर भी फ्रेंड्स मैं फिर से एक बार मेंशन कर रही हूँ। और एक काम करना है फ्रेंड्स आपको, हर रोज़ थ्री टाइम्स दिन में तीन से चार पांच बार आप हो सके तो कर सकते हो, आपको अपने फेस को धोना है। कैसे धोना है फ्रेंड्स, आपको एक बार ठंडे पानी से धोना है, एक बार गर्म पानी से धोना है, मतलब दो बोतल लेके आप आपके फेस को धो। पहले तो ठंडे पानी से अपने फेस को धो ले, छिड़क के अच्छे से धो ले, और उसके बाद गुनगुना हल्का एकदम लाइट गर्म पानी से अपने फेस को धोए। ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, एकदम हल्का गुनगुना होना चाहिए। ऐसे करके आप सारे दिन में फुल डे में आप तीन से पांच बार धो सकते हो। इससे फ्रेंड्स आपकी स्किन ग्लो करता है, स्किन ब्राइटन अप होता है, बहुत दिन तक जवान बने रहता है। ये है फर्स्ट आपको करना है। सेकंड फ्रेंड्स, आप जैसे मॉइस्चर लगाते हो या टोनर लगाते हो, वैसे ही फ्रेंड्स एक चीज़ आपको हर रोज़ लगाना है, ये भी मॉइस्चर का काम करता है, टोनर का काम करता है, यानी मॉइस्चर टोनर दोनों ही ये दोनों का काम एक साथ कर देता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक चम्मच हनी लेना है, हनी यानी शहद लेना है, और इसमें आपको जोड़ना है आधा चम्मच लेमन का जूस। फ्रेंड्स लेमन का जूस बहुत सारे को सूट नहीं करता है, तो आप लेमन का जूस की जगह यहाँ पे टमाटर का जूस भी ले सकते हो, या फिर सब मौसमी का जूस भी ले सकते हो। तीनों में से कोई भी जो आपके फेस में स्किन में सूट करे वो ले लो। इसे अच्छे से मिक्स करो। फ्रेंड्स हनी आपके स्किन को मॉइस्चर दिलाता है और आपके स्किन को ग्लोइंग स्किन बनाता है और फेयर भी बनाने के लिए हेल्प करता है। और इसके साथ आप लोग लेमन जो रहे हो या आप टमाटर जो रहे हो या मौसमी जो रहे हो, जो भी जो रहे, इसमें बहुत सारा विटामिन सी रहने की वजह से ये आपके स्किन टोन को लाइटन करता है और स्किन को क्लीन करने में भी हेल्प करता है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, थोड़ा सा रुई लेके यानी कॉटन लेके इसमें डिप करना है और डिप करके फुल फेस में लगा लेना है, आँखों के ऊपर, होठ के ऊपर, फुल फेस में, नेक में इसे अच्छे से लगा लेना है, और लगाने के बाद आधा घंटा रखना है और आधा घंटे के बाद धो लेना है। ऐसा आपको दिन भर में दो से तीन बार करना है। ये फ्रेंड्स जैसे हम लोग मॉइस्चर लगाते हैं दिन में दो बार या तीन बार, तो ऐसे ही आपको इसे लगाना है। आप नहाने के बाद भी इसे लगा सकते हो, सोने जाने से पहले इसे लगा के फेस को धो के लगा सकते हो। ऐसे थ्री टाइम आपको इसे करना है, ये आपकी स्किन टोन को लाइटन करते जाएगा, स्किन का दाग धब्बे को मिटाते जाएगा, स्किन को ब्राइटन करते जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था सेकेंड काम।
तो और एक काम करना है, बहुत ही सिंपल है, वो है फ्रेंड्स आपकी स्किन को हर रोज रब करना है, स्किन का डेड सेल को रिमूव करना है। स्किन का डेड सेल को आप रिमूव करोगे तो फ्रेंड्स आपकी स्किन का अंदर का स्किन निकल आएगा और आपकी स्किन फेयर बनती जाएगा, बेबी सॉफ्ट बनती जाएगा, स्किन ब्राइट होते जाएगा, स्किन का दाग धब्बा मिटते जाएगा। तो इसीलिए आपको हर रोज थोड़ा बहुत स्क्रबिंग करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, स्क्रबिंग हर रोज करना भी नहीं चाहिए, पर मैं जो स्क्रबिंग आपको बताऊँगी ये बहुत ही माइल्ड स्क्रबिंग है, तो इसमें कोई भी दाना नहीं रहेगा। मतलब स्क्रबिंग करने के लिए हम लोग हाथ में जो भी रहते हैं दाने की टाइप की चीज़ लेके जाते हैं ताकि आपकी स्किन अच्छे से स्क्रब हो, तो उसके लिए हम लोग वो सब यूज़ करते हैं, पर इसमें हम लोग ऐसा कुछ नहीं यूज़ करेंगे जिससे आपकी स्किन में कोई दाना लगे, कहीं घिसे, ऐसा चीज़ नहीं यूज़ करेंगे, पर ये रब करेगा आपकी स्किन का डेड सेल को भी रिमूव करेगा, ऐसा ही चीज़ हम लोग इसमें जोड़ेंगे। तो क्या लेना है आपको, आपको लेना है फ्रेंड्स हर रोज लेना है, याद रखें हर रोज करना है, आपको बिल्कुल लेना है मिल्क पाउडर, यानी कोई भी पाउडर मिल्क आप ले लें, जो आप खाते हो वही पाउडर मिल्क आप ले लें एक चम्मच, और इसमें थोड़ा सा चीनी जोड़ें, थोड़ा सा चीनी जो ना, मतलब आप आधा चम्मच चीनी ले लें। चीनी फ्रेंड्स जितना फाइन होगा उतना अच्छा है, मतलब छोटे ना एकदम छोटे छोटे दाने का जो चीनी आता है वो ले लें, और इस दोनों को अच्छे से मिक्स करें। थोड़ा पिघल जाएगा जब चीनी तब इसे लेके, फुल पिघलना नहीं है, हल्का पिघल जाएगा जब चीनी तब इसे लेके फुल फेस में रब करें। जब भी आप नहाने जाते हो उससे पहले इसे आप फुल फेस में लगा लो और लगा के हाथ में लेके एक से दो मिनट के लिए रब करें। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, ये आपकी स्किन का डेड सेल को रिमूव करेगा, स्किन में जो भी आपके डर्ट है उसको रिमूव करने में हेल्प करेगा। फ्रेंड्स मिल्क में वाइट एंजाइम रहता है जिसके वजह से ये आपकी स्किन को फेयर बनाने के लिए हेल्प करेगा। बहुत सारा मॉइस्चर रहता है जो आपकी स्किन को मॉइस्चर दिलाएगा, यंगर स्किन दिलाने के लिए हेल्प करेगा। और फ्रेंड्स शुगर यानी चीनी में नेचुरल सोडा रहता है जो आपकी स्किन को ब्लीच करने में हेल्प करेगा, और चीनी फ्रेंड्स स्क्रबिंग का हेल्प करेगा, स्किन को टाइट बनाएगा, स्किन का रिंकल को मिटाएगा। तो चीनी का बहुत सारा फ़ायदा है, तो इसीलिए हम लोग इन दोनों को जोड़ेंगे और इससे रब करेंगे। ये आपकी स्किन को एकदम माइल्ड स्क्रबिंग करेगा जिससे फ्रेंड्स आपके स्किन का डेड सेल तो रिमूव होगा पर ये हार्मफुल नहीं है, तो इसे आप हर रोज कर सकते हो। ऐसा ये तीनों चीज़ आपको हर रोज करना है, ये तीनों चीज़ आप हर रोज करते हो, और साथ में हफ्ते में एक दिन आप कोई भी फेस पैक लगा लेते हो तो फ्रेंड्स इसी से एक बहुत ही खूबसूरत स्किन मिल जाता है। ज़्यादा बहुत कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ यही तीनों चीज़ आप हर रोज़ फॉलो करते हो और हफ्ते में एक दिन कोई भी फेस पैक आप लगा लेते हो। आपको फेस पैक मालूम नहीं है तो मैं एक छोटा सा फेस पैक के बारे में बता देती हूँ। आप बेसन ले लो और आप दही ले लो, कॉफ़ी पाउडर ले लो, इन तीनों को सेम रेशियो में मिक्स करो और लेके अपने फेस में लगा लो, तो ये फेस पैक भी फ्रेंड्स अमेजिंग काम करता है। ये भी आपके स्किन का डेड सेल को मीट आता है, आपके स्किन में डर्ट है उसको रिमूव करता है, स्किन को टाइटन बनाता है, ब्राइटन बनाता है। तो ऐसा आप रेगुलर करते हो तो फ्रेंड्स आपकी स्किन और भी खूबसूरत बनते जाते हैं। आपको बाहर का महंगा महंगा कोई भी क्रीम वगैरह नहीं लगाना पड़ता है, ना ही आपको फेशियल लेना पड़ता है, इसी से ही फ्रेंड्स आपको 100% रिजल्ट मिलता है और आप खूबसूरत बनते जाते हो। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, इसे जरूर ट्राई करना। सभी लोग ट्राई करके नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखना कैसा लगा आज का ये टिप्स। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, मैं फिर रिटर्न आऊँगी तो अच्छे से ब्यूटी टिप्स या हेल्थ टिप्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।